मेरा जलन सरप्राइज्ड कर लिए हो तो आप लोगों का धन्यवाद। अगर नहीं किए हो तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटा बटन भी दबा लीजिए ताकि भविष्य में कभी भी नया वीडियो में डालो आप तक पहुंच सके। अगर सबका रास्ता घंटा बटन दबा लिए तो आप सभी को धन्यवाद। अपने आंसू को ही औजार बना डालेंगे, अपने आंसू को ही औजार बना डालेंगे, अपने गुस्से को ही हथियार बना डालेंगे, अपने गुस्से को ही हथियार बना डालेंगे। मुत्तहिद होके ये बदलाए हम बंगाल में, जिसकी भी चाहेंगे सरकार बना डालेंगे, जिसकी भी चाहेंगे सरकार बना डालेंगे। हजरते मोहतरम इम्तियाज साहब ने कह रहे थे, मैं क्या बोलूं, मैं चाह रहा था कि इनको क्या बोलूं कि किसी शायर ने कहा है कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलते, यहाँ पे जितने हैं सब कलंदर।
इस तरह
हमारे साथ इस सेंट्रल की हुकूमत नरेंद्र मोदी की हुकूमत है जिन्होंने उस तरह का खिलौना खेल रखा के उसको दिल्ली के सील्ड में आपने बैठाया है मेरे भाई, हमने अपने वोट से बैठाया है, उसको सीट पर बैठा दिया है, अब वो अपना ड्रामा करना शुरू किया है, मुसलमान दलितों को निगाहों से गिराना शुरू किया है। लेकिन जिस तरह से हम वोट लेकर दिल्ली में सीट पर बैठाना जानते हैं उसी तरह से उस सीट से कान पकड़ कर उतारना भी जानते हैं। हजरत मोहतरम मेरे साथ जज्बात का मुजाहरा मत कीजिए, सूरज सितारे मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ता नहीं है हम, मोदी से कोई कह दे औकात में रहे, मोदी से कोई कह दे औकात में रहे, बहुत हुआ तुम्हारा ये। मेरे दोस्तों मेरे अजीज साथियों, मैं आपका इम्तिहान वही चाहिए जो आपने उन बच्चों के लिए राजा बाजार रिपल स्ट्रीट में किया था, 7 पॉइंट में किया था, आपने ऐसा इम्तिहान कायम किया कि राजा बाजार के 63 बच्चों के मुतालबा में आपने पूरे रास्ते का चक्का जाम किया, हुकूमत भी आपके सामने घुटना टेक दी थी मेरे दोस्तों, हुकूमत आपके सामने घुटना टेक दी थी और उन बच्चों को छोड़ना पड़ा, वही इम्तिहान आपका चाहिए, इम्तिहान कायम कीजिए मेरे दोस्तों। आप किसी भी मसलक के हो, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शिया हो अल्हम्दुलिल्लाह, देवबंदी हो अल्हम्दुलिल्लाह, बरेली हो अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस हो अल्हम्दुलिल्लाह, सबका मसलक का मैं तर्जुमानी करता हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ कि जब इतिहाद की बात आ जाए तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना मेरे भाई, जब अगर अमेरिका बम फेंकेगा या कोई शरारत करेगा तो कोई देवबंदी बरेली को नहीं खोजेगा, वो खोजेगा कि मुसलमान को सफे हस्ती से मिटा दो। मेरे दोस्तों आप अपना इतिहाद कायम करो, आप किसी भी मसलक से हो, किसी भी समाज से हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना इतिहाद कायम करो, इतिहाद कायम करके आप बंगाल में एक अलग मैसेज पहुंचाओ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुका है, मजलिस के लोग यहाँ जिंदा है, अब इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई काम भी बंगाल के सरजमीन में नहीं होने देंगे। हजरत मोहतरम मुझे अभी कुछ दिन पहले 4 दिन से 5 दिन कबल का अखबार उठाइए, आपने उसमें पढ़ा होगा कि बीजेपी का एक लीडर है जिन्होंने हमारे दादी टोपी पे उंगलियां उठाई और हम लोगों को कहा कि ये गद्दार है। अरे मेरे दोस्तों मेरे अजीज साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं गद्दार नहीं हूँ, इस हिंदुस्तान की आजादी में मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली के लाल किले तक हमारे गर्दन लगे थे, इस हिंदुस्तान की आजादी में दिल्ली के लाल किले से लेकर मुजफ्फरनगर तक हमारे गर्दन लगाए गए थे, इन्हीं मुसलमानों का खून वहां पे था, इन्हीं आलिमों का खून वहां पे था, इस हिंदुस्तान को हमने हिंदुस्तान दस्तावेज अपने खून से लिया है, ये हिंदुस्तान के हम गद्दार नहीं हो सकते हैं। वो मुझे गद्दार लिखने वाले, वो मुझे गद्दार कहने वाले, मैं तुमसे खिताब करता हूँ कि भारत के दुश्मनों के वफादार तू ही है, भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है, सच पूछो तो फांसी का हकदार तू ही है, सच पूछो तो फांसी का हकदार तू ही है। अरे रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले, रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले, तारीख उठा के देख ले गद्दार तू ही है, तारीख उठा के देख ले गद्दार तू ही है, इस मुल्क के गद्दार हम नहीं है, इस मुल्क के दासवाहन है, इस चमन के फूल है हम, ये हिंदुस्तान की एक नंबर शहरी है। हजरत मोहतरम मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बंगाल में उमड़ते हुए सैलाब की शक्ल में आपके पास है, आपने इसका जिंदा दिल का सबूत पेश किए हैं, मैं आपके जिंदा दिल को सलाम करते हैं, आपके जज्बात को सलाम करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों कोई भी हो, किसी भी लोग हो, हर जमात में लोग शरारतबाज होते हैं, हर जमात
को निकाल कर जला दो, तुमको जितनी कोशिश करनी है कर लो, मेरे हाफिजों को खत्म कर लो। याद रखो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, अरे सफे हस्ती से तुम मस्जिदों से कुरान को जला दोगे, खत्म कर दोगे, लेकिन एक हाफिज कुरान फिर इंशाल्लाह ताला प्रेस के पास खड़ा होगा और वो फिर पढ़ना शुरू करेगा, कुरान छपना शुरू हो जाएगा। अरे तुम्हारे कुरान के ऊपर कभी हमला नहीं कर सकते हो, कुरान अजल से है अबद तक रहेगा, कुरान हमारा इब्तदाई किताब है, कुरान ही पे तो मेरा नाज़ो नख़्वा है, कुरान ही तो हमारा अमल दस्तूर है, उसी को हम अपने अपने जुबान से थामे हुए रहते हैं। हजरत मोहतरम, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क, ये मुल्क हमारी है, इस मुल्क में हम पासवा हैं, आप सब पासवा हैं, इस मुल्क में हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन खास बंगाल में हम कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, हमारा सदर, हमारा जो पीछे के हिस्से में जो आप चेहरा देख रहे हैं वही चेहरा हमारा है, वही ब्रांड हमारा है, वही न्यू ब्रांड चेहरा बंगाल की धरती में जब पार्लियामेंट में घुटते हैं तो लगता है पार्लियामेंटी को कि न जाने किस जंगल का शेर आया है, किसको किसको खाएगा, न जाने किसको किसको निगलेगा। मेरे दोस्तों, वो तो हैदराबाद के शेर है, लेकिन हिंदुस्तान में बंगाल के अंदर आप अपना मुत्तहिद इत्तेहाद को कायम करके बता दे कि मेरा नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है, मेरा लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हम लोग कोई आपके लीडर नहीं है, हम आप लोग के बीच के आदमी है, आपके भाई है, आपके छोटे भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का नवासा है, किसी का पोता है, लेकिन हम लोग कोई लीडर नहीं है। मेरे दोस्तों, आप जिस तरह से है उसी तरह आपके बीच के लोग है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो है इत्तेहाद कायम करें, आप अपना इत्तेहाद कायम करें, आप अपना जम रफीर मजमा को इसी तरह कायम रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक बात मैं कहकर कि जब तक रहेगी जान, कह दो योगियानाथ एमपी और मुख्तार अब्बास नकवी, शहनावाज हुसैन और नजमा हिब्तुल्ला के जब तक रहेगी जान कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद, और तू हमें क्या मिटाएगा गुजरात के कातिल, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ से निपटाते हुए मैं आप लोगों के जिंदा दिल को सलाम करते हुए मैं अपनी तहरीर को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ।